बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को लेकर आज सुबह आई खबर ने सबको हैरान कर दिया। जिसने भी इस खबर को सुना उसके कान खड़े हो गए। आज सुबह करीब 5 बजे दो बाइक सवार अज्ञात शूटरों ने कई राउंड फायर किए और फरार हो गए। इस घटना के बाद अब हंगामा मचा हुआ है। जब ये फायरिंग हुई तो सलमान खान अपने गैलेक्सी वाले घर में ही मौजूद थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम भी और जांच की। अब पुलिस को इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें वो बाइक सवार शूटर कैद हुए हैं। सुनिए क्या बताया डीसीपी मुंबई राज तिलक रोशन ने। दो लोग बाइक पर आए थे राउंड सुबह 5 बजे और वो हवा में फायरिंग की उन्होंने और उसके बाद वहां से वो भागे, तो हमने उसके हिसाब से एफआईआर रजिस्ट्रेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर कितनी राउंड टोटल फायरिंग की गई और क्या कुछ पुलिस को बरामद हुआ? वहां 4-5 राउंड फायर हुए थे, हवा में फायरिंग की गई थी और उसके हिसाब से खाली केसेस मिले हैं और फॉरेंसिक टीम्स हमारी सब है और हम उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें कुल कितनी टीम बनाई गई, क्या अपडेट है सर? हमारी 15 से ज्यादा टीम्स बनी है और हम आरोपी को जल्दी ढूंढेंगे, उसके हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। क्या कुछ पता चल पाए कौन लोग थे, कहां से आए थे, बुलेट कौन से, बंदूक कौन सी थी, कहां से कुछ पता चल पाए? जी फिलहाल आरोपी अभी तक नहीं मिले हैं, हमारी टीम्स लगी हुई है, जब वो मिलेंगे तब हम बता सकते हैं। कुछ मकसद पता चल पाया सर, क्या वजह थी इसके पीछे फायरिंग कर ली, कुछ वजह पता चल पाया? जी फिलहाल हम नहीं बता सकते इसके बारे में, बट आरोपी का मिलना उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट जो है वो हम कर रहे हैं अभी और जब मिलेंगे देन वी विल नो मोर। क्या घटना में कोई फायरिंग में कोई घायल हुआ जिस प्रकार से फायरिंग की गई? जी इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है, हवा में फायरिंग की गई। कितने लोगों का बयान दर्ज किया इसमें सर आपने? क्योंकि हालांकि मामला सलमान खान से लेकर तब तक कितने लोगों का, जैसे टीम्स लगी हुई है जहां पर जैसी जरूरत है उसके हिसाब से इंट्रोगेशन स्टेटमेंट्स हो सके हो रहे हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई, हालांकि हमने देखा इसके पहले सलमान खान को धमकी भरा मामला कॉल आया था, क्रिकेट आया था, क्या उस एंगल से बात हो रही है? वो पहले का फैक्ट है, अभी रिसेंट जो आज का केस है उसके लिए कुछ भी ऐसा अभी रिकॉर्ड पर नहीं है। जब ये फायरिंग हुई क्या सलमान खान उनके फैमिली वहाँ पर मौजूद थे घर में जब ये फायरिंग की गई? ये उनकी टीम बेटर बता सकती है। क्या अब तक मामला दर्ज है सर? हाँ मामला दर्ज होने के प्रोसेस में। बता दें कि घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी सलमान खान से फोन पर बातचीत की और उन्हें सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया। सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से चर्चा की और सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाने का भी सुझाव दिया। बता दें जब से ये खबर आई है तब से सलमान खान के फैंस भी चिंतित हैं और सोशल मीडिया पर इसकी जोरों से चर्चा हो रही है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच करने में जुटी है, पता लगा रही है कि आखिर ये कौन है और कहां गए। जाहिर है कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमलावरों ने एक्टर के घर की बालकनी के उसी हिस्से पर गोली चलाई है जहां 2 दिन पहले ईद पर वो वहां खड़े होकर फैंस को बधाई दे रहे थे। बहरहाल अब देखना है कि पुलिस को इस जांच में क्या मिलता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।